अभियोग का चलना है, किस तरह की अभियान चलेगा, क्या व्यवस्थाएं की गई? जैसे कि हर बार पल्स पोलियो राउंड हमारे यहाँ चलता है तो पूरे देश में एक ही बार पोलियो की दवाई पिलवाई जाती है 0 से 5 साल तक के बच्चों को, तो इस बार भी हमारा 23 तारीख से ये अभियान शुरू होने जा रहा है, उसकी हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। DTF आज शाम को है और डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग, और उसके बाद हम और स्टाफ को भी मीटिंग दे रहे हैं। स्टेशनरी हमारी छप चुकी है, IEC मटेरियल है, पेन जो मार्कर पेन है वो भी आ गए हैं, सारी तैयारियाँ हैं, माइक्रो प्लान बन चुकी है। संडे को बूथ पे दवाई पिलवाई जाएगी और उसके बाद एक हफ्ते हाउस टू हाउस हमारी टीम जाके तो पोलियो की बीमारी की बात करें तो किस तरह से फैलती थी और ये किस स्टेज में आज की डेट में है? पोलियो अभी तो अब हमें तो पोलियो फ्री इंडिया का भी हमें WHO से सर्टिफिकेट मिल चुका है और इस टाइम पोलियो की बीमारी नहीं है इंडिया में, ना पोलियो का कोई वायरस है। अक्सर हम लोग जांच करते रहते हैं नालों में, सीवेज वाटर में भी हम चेक करवाते हैं कि कहीं पोलियो का वायरस तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। लेकिन खतरा हमेशा इसलिए लगातार बना रहता है क्योंकि यहाँ पे विदेश से भी लोग आते हैं, पाकिस्तान में भी अभी पोलियो फ्री नहीं हुआ है, इसलिए ये राउंड लगवाते चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। और आपके माध्यम से मैं जनता को भी कहूँगा कि अपने सभी बच्चों को पोलियो की दवाई अवश्य पिलाएं।